पहला एक्सरसाइज हो गया था। देखो सबसे पहली बात है कि अगर दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो, अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहां पर दिया हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। स्टार्टिंग से अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो फिर क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब कि अगर यहां पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ए बी सी के सिमिलर है, तो यहां से जो एंगल पी होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल आर जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद पी क्यू बाय में ए बी, पी क्यू बाय में ए बी, देखो यहां पी क्यू लिखे क्या लिखे ए बी, ये इक्वल होगा अगर यहां पर लिखेंगे क्यू आर, यहां पर क्या लिखेंगे बी सी, एंड ये इक्वल होगा अगर हम यहां लिखेंगे पी आर बाय में ए सी, ठीक है। तो ये एक है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, क्लियर। अब यहां पर और आते हैं हम लोग आगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो क्राइटेरिया हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल, मान लो कि प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो उसके लिए तुम लोगों को बताए होंगे कि दो क्राइटेरिया होता है, एक तो होता है एंगल एंगल और दूसरा होता है साइड एंगल साइड। एंगल एंगल का मतलब हुआ कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो, मान ली मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, दो ट्रायंगल है उसका दो एंगल आपस में इक्वल है। जैसे कि अगर हम यहां लिखते हैं, मान ली ए बी सी, ये ए बी सी, और यहां पर लिखते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ले लिए। अब मान लो कि दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, ठीक ना। क्या बोले हम यहां पर, हम बोले कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और एंगल बी, नहीं, एंगल बी इक्वल है एंगल पी के और एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के। तो यहां पे इन दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब इसे थोड़ा सा नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, मान लो यहां पर लिखे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो यहां पे सिमिलर लिखोगे ट्रायंगल, अब ए, ए के बराबर कौन सा एंगल है, इसका ए उसमें किसके बराबर, क्यू के, तो यहां पर लिखो एंगल क्यू, फिर इसका बी पी के और एंगल सी, बचा क्या ए बी सी है ना ट्रायंगल, तो यहां पे ए बी सी, तो यहां क्यू पी, क्यू पी हो गया, तो बचा क्या आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया एंगल
QPR का, और कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल। और एक और होता है साइड एंगल साइड, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है साइड एंगल साइड में क्या है ना कि जैसे मान ली ए बी सी, ठीक, ये ए बी सी, और यहां पर ले लेते हैं पी क्यू आर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ ए बी जो है मेरा वो टू है, टू सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो है मेरा थ्री सेंटीमीटर। ए बी जो है वो टू सेंटीमीटर है, बी सी जो है मेरा थ्री सेंटीमीटर है, और यहां पर पी क्यू जो है वो फोर सेंटीमीटर है, और पी क्यू ये है मेरा सिक्स सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री, लेट ये 80 डिग्री है, यहां भी 80 डिग्री है, तो एक एंगल बराबर है लेकिन दो साइड बराबर नहीं है। यहां पर साइड बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन तुम देख रहे हो कि ए बी, यहां पर निकालोगे अगर ए बी बाय बी सी तो ये कितना हुआ टू बाय थ्री, और अगर यहां से लिखेंगे क्यू आर बाय पी क्यू तो क्यू आर बाय पी क्यू कितना आएगा फोर बाय सिक्स, मतलब टू बाय थ्री। तो देख रहे हैं कि ए बी बाय बी सी इक्वल है क्यू आर बाय पी क्यू के, मतलब इसके दो साइड, मतलब वो दो साइड जिसके बीच में एंगल है, जिस दो साइड से ये एंगल बना हुआ उन दो साइड का रेशियो, और यहां जिस दो साइड से ये एंगल बना हुआ उसका रेशियो इक्वल है, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो कहेंगे कि ये भी ट्रायंगल सिमिलर है। इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। यहां पर साइड इक्वल नहीं होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, समझ आई बात। तो ये दोनों ट्रायंगल, अब यहां पर लिखेंगे कि सिंस ए बी बाय बी सी इक्वल है क्यू आर बाय पी क्यू, और साथ ही साथ एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, तो फ्रॉम कौन सा क्राइटेरिया यहां लगा देते हैं, फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू पी क्यू आर नहीं होगा। यहां पे ए बी सी तो यहां पर पी क्यू आर नहीं होगा। अगर हम पी क्यू आर लिख भी दिए तो देखो ए बी बाय बी सी, अगर हम यहां से लिखेंगे ए बी बाय बी सी तो पी क्यू बाई क्यू आर है नहीं, नहीं ना है, जो देखो यहां पे ए, तो यहां से अगर हम लिखते ए बी तो यहां से आना चाहिए क्या पी क्यू, तो ये नेमिंग थोड़ा सा गलत है, इसको हम मिटा दो। तो यहां से पहले देखो कि तुम्हारा जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी क्यू आर बाई पी क्यू के बराबर है ना, तो पहला मतलब कि ए बी है तो यहां पर क्यू आर आना चाहिए, और फिर बी सी है तो पी क्यू आना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि हम इस तरीके से लेंगे आर क्यू पी आर क्यू पी। देखो ए बी लिए ना ए बी बाई बी सी, यहां पर हो गया आर क्यू बाई क्यू पी, पी क्यू और क्यू पी वो अलग नहीं है वो एक ही है, और यहां पे एंगल बी यहां पे एंगल क्यू वो तो ठीक है ना, कि क्यू तो आपको बीच में लाना ही लाना है, और ऐसे भी क्यू अगर बीच में लाना है, मान के चलो क्यू अगर हमको बीच में लाना है तो शुरू का साइड तो आपको आर क्यू लाना ही था, तो आर क्यू और पी ये नेमी हुआ आर क्यू पी। अब ये सिमिलर हुआ तो इसका मतलब एंगल ए, एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल आर के, एंगल बी क्यू के, सी पी के,
ठीक है। चलिए अब कुछ हम देते हैं और तुमको बताना है कि वो सिमिलर है ट्रायंगल या नहीं है। फटाफट एंगल ए दिया हुआ 50, एंगल बी दिया हुआ 60 और एंगल सी दिया हुआ 70 डिग्री और पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये दिया हुआ है 60 डिग्री 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। दोनों सिमिलर है, देखने लग रहा है सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर 50 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 77 डिग्री और सिमिलर के लिए तो कोई दो ही एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर तो ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेमिंग करना है, ठीक है ना। तो नेमिंग करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर मान लो पहले तो यहाँ पे अपने मन से जो लिखना है लिखो, ए बी सी अपने मन से लिख दिए और इधर का अपने मन से लेकर के इसी के रिस्पेक्ट में उधर लिखने की कोशिश करते, इसे रिलेट करते, इधर का खुद से लिख दोगे और इधर का जब लिखोगे ना तो इसे रिलेट करके लिखोगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए, ए के बराबर कौन है क्यू, ए ए है मेरा 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री कहाँ पे क्यू, बी बी पे कितना डिग्री है 60, उधर कहाँ है 60, कहाँ है पी, तो थर्ड बचा आपका आर, ये हो गया ना। तो ये आपका सिमिलर हो गया। अगर यहाँ पर साइड कुछ रहता और साइड फाइंड आउट करना रहता या साइड से रिलेटेड कुछ आपको सॉल्यूशन करना रहता तो फिर आप लिखते ए बी, यहाँ पर ऐसे लिखते ए बी तो यहां से आता पी क्यू या क्यू पी, ए बी बाय क्यू पी पहला पहला। तो यहां से अगर लिखते बी सी तो फिर यहां से क्या लिखते पी आर, और अगर यहां से लिखते ए सी क्यू आर, अगर एक बार सिमिलर हो गया तो ये आप लिख सकते हो। समझ में आई बात। सिमिलर वे में अगर मान लिए कि मेरे पास बताना पड़े कि सिमिलर है या नहीं है, ए बी सी यहां पे है ई एफ डी, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर और यहां पे 6 सेंटीमीटर, यहां पे 70 डिग्री और यहां पे 70 डिग्री। सिमिलर ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो पहली बात तो हम रेशियो बाद में चेक करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर यहां पर 70 डिग्री है इन दो साइड के बीच में है और यहां जो 70 डिग्री है दो साइड के बीच में अगर है भी तो थर्ड साइड साइड तुमको पता नहीं है, नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं। तो ये सिमिलर नहीं है, समझे। मतलब कि अगर बाय चांस इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल रहता और इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो और ये बीच का एंगल, दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल अगर बराबर हो तब तो सिमिलर होगा ना। अगर ये दो साइड का रेशियो, मतलब कि ये एंगल कहाँ होना चाहिए, दो साइड के बीच में होना चाहिए,
और उन दोनों दो साइड का रेशियो यहां पे जिन दो साइड के बीच में एंगल है उन दोनों के रेशियो के बराबर हो तब सिमिलर हो, ये सिमिलर आपका नहीं है। फिर आपका है सी ए और यहां पे बी एटी 8 सेंटीमीटर और यहां पे है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर और फिर इधर है सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और बीच का एंगल जो है 80, पी क्यू आर। अब इसमें आप गेस मत कर लीजिएगा कि सिमिलर है नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप इसमें मेहनत कीजिए, मेहनत ये कीजिए कि सबसे पहले तो आपका दिखाई दे रहा है कि इन दो साइड के बीच का एंगल कितना है 80, यहाँ पे इन दो साइड के बीच का रेशियो कितना है 80। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से निकाल लेते हैं एसी बाई बीसी, ये थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लेते हैं एसी बाई बीसी। तो एसी हो गया आपका 8 और बीसी कितना हो गया 6, कट के कितना हो गया 4/3। अब एसी बड़ा था, अब इससे दोनों में बड़ा कौन है क्यू आर, तो हम यहां पर लिखते क्यू आर बाई में पी क्यू, तो ये हो गया आपका 6 4.5। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 60 हो जाएगा, 15 के डबल में कटेगा 4/3, दोनों का रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया। यहां से देख रहे हैं कि एसी by BC equals to QR by PQ, AC by BC equals to QR by PQ और बीच का एंगल C और एंगल Q इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो नेमिंग करते हैं, नेमिंग करने के लिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा एक एंगल तो मालूम है कि C, तो C के बराबर कौन सा एंगल है Q, यहां पर C अगर लास्ट में आ रहा है तो यहां पे Q मेरा लास्ट में आएगा। अब यहां पे BC, BC मेरा कौन सा है 6 छोटा वाला साइड, तो इसका छोटा वाला साइड कौन सा है QP, तो Q तो ऑलरेडी आ चुका है तो उसके साथ बचा हुआ क्या P, तो इससे पहले लगा देंगे P, तो थर्ड क्या बचा R, तो यहां पे ट्रायंगल सिमिलर होगा ABC सिमिलर होगा RPQ के, तो एंगल A, अब ये एंगल ए किसके बराबर होगा आर के, बी पी के, समझे सिमिलर हो जाएगा, तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम एंगल लिख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, चलो इसको उतारो तो